मस्त लग रहा है ये वाला। वाओ फाइनली देख ही लिया मैंने। ये आ गया अपना मार्गरीटा प्लेन चीज पिज्जा। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जिंगाट गर्ल व्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे, मैं तो एकदम मस्त हूँ। मौसम ऐसा हो गया है ना कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और जहाँ पे हम जा रहे हैं यानी कि मुंबई जू भाईकला जू, वहाँ पे बारिश होगी तब भी मज़े आएंगे और नहीं भी होगी तब तो बहुत ही मज़े आएंगे, मतलब हम आराम से जो है एनिमल्स वगैरह को देख पाएंगे। लेकिन बारिश होगी अगर मुंबई जू में तो देखते हैं कि तभी वहाँ का नज़ारा कैसे होता है, बिकॉज़ मैंने रेयरली सुना है कि बारिश में कोई मुंबई जू जो है विज़िट करता है, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। और प्लस हमने ना लास्ट टाइम जब विज़िट किया था आफ्टर लॉकडाउन, बहुत कम एनिमल्स थे वहाँ पे, बिकॉज शायद लॉकडाउन था तो एनिमल्स नहीं रखे थे इतने, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, पेंगुइन हो गया, ये सब हमने मिस किया था। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पेंगुइन देखूँगी, क्रोकोडाइल देखूँगी अगर होगा तो, और स्नेक, मुझे स्नेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है देखने में, कभी ऐसे एकदम करीब से नहीं देखा है, बट देन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते अपनी जर्नी। मैं जाऊँगी अभी गोरेगांव स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पकड़ूँगी। सो गाइस मैं तो पहुँच गई हूँ और आई यहाँ पे कैसे, ट्रेन से आई हूँ मैं। मैंने गोरेगांव से जो है लोकल पकड़ी थी, मस्जिद उतरी थी मैं, एंड देन वहाँ से मैंने जो है टैक्सी लिया था यहाँ मुंबई जू के लिए। अब मुंबई जू में आ चुकी हूँ, रानी बाग में आ चुकी हूँ। वैसे यहाँ पे आते ही ना सबसे पहली वाली फीलिंग मुझे ये आई है कि यहाँ पे रश ना बहुत 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 से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन ही सारी पूरी फैमिली जो है वो निकलती है बाहर कुछ ना कुछ पिकनिक के लिए। एंड मुंबई जू से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी ना बहुत सारे एनिमल्स ऐड हुए हैं और पेंगुइन जब से आ गया तब से मतलब लोगों में थोड़ी सी बोलते हैं ना इंटरेस्ट और जाग गई है मुंबई जू विज़िट करने में। तो रश बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा है, दो मानसून सीज़न है लेकिन बारिश का कोई भी नाम और निशान है ही नहीं। बट कोई नहीं, चलो अभी अपन अंदर चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। पहले अपन ने किया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन लास्ट टाइम हमने बहुत सारे एनिमल्स मिस किए थे, इस बार अपन सब कवर करेंगे। एंड टिकट की प्राइसिंग एंड ऑल मैं यहाँ पे डाल दूँगी, चेक कर लेना अच्छे से। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है यार, फॉरेनर्स जो होते हैं उनके अडल्ट का प्राइस है 400 रुपीज़ और इंडियंस का 50, मतलब ऐसा डिफ्रेंशिएट क्यों है मुझे आज तक कभी नहीं समझा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। चलो एक्साइटेड मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, चले। यहाँ पे है टिकट काउंटर, यहाँ पे फोर व्हीलर पार्किंग है और वहाँ पे ना टू व्हीलर पार्किंग है। यहाँ से अपन जो है अभी एंटर करने वाले हैं जू में। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, फट्टे रश है, फट्टे एकदम। इसे मुंबई का ब्लैक हॉर्स कहा जाता है, फेमस स्टैचू है ये। बाकी आगे चलते हैं अपन। बाकी ये यहाँ पे गाइड है, अभी अपन यहाँ पे है तो पहले अपन चलते हैं यहाँ पे एलिफेंट के पास में एंड देन लायन। आई थिंक लायन अभी है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो टाइगर है, बट देन अपन पहले अभी एलिफेंट के पास चलते हैं। बच्चे कितने खुश हो जाते हैं यार एनिमल्स को देख के। वो देखो वहाँ पे वो हाथी, बट देन उसका शेड देखो ना आप, हाथी जैसे तो उसका शेड रहा नहीं है पूरा, शायद मट्टी में खेल खेल के उसने पूरा मट्टी का कलर खुद को बना दिया है। बाकी यस वहाँ पे हाथी के लिए पॉन्ड भी है पानी वानी पीने के लिए, एंड बारिश के वजह से मानसून के वजह से थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है जू में, बिकॉज सारा ग्रीनरी हो गई है तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी सीजन पे आते हैं ना तो इतना ग्रीन नहीं लगता है, थोड़ा सूखा सूखा टाइप लगता है, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है व्यू। एज पर मैप अपन ने देखा था कि हाथी पहले नंबर पर है और सेकेंड पे है लायन, ये लायन का डेन मतलब समझ लो वैसा है, यहीं पर लायन रखा जाएगा, लेकिन अभी लायन है नहीं, अब कब आएगा पता नहीं, जब आएगा तब अपन वापस आ जाएंगे। सो यहाँ पे पानी की भी सुविधा है, बाकी मैंने पानी तो भर लिया है, अब यहाँ पे खाली करने के लिए जाता है। तो ये है लेडीज टॉयलेट, कितनी अजीब चीज़ है, वॉशरूम में लाइट ही नहीं है, आई डोंट नो क्या वजह है। मैंने एक लड़की को बोला था कि 2 मिनट बस रुक जाना मेरे वॉशरूम मतलब डोर के सामने, बिकॉज डोर क्लोज भी नहीं हो रहा था, बट वो पता नहीं चली गई और अचानक में किसी ने खोल दिया। इट वॉज गुड कि मेरे पैंट्स अप थे। अभी अपन है स्लॉथ बियर के पास में, ये एक अच्छा चप बनाया हुआ है सेल्फी पॉइंट टाइप, यहाँ पे सब अपने फोटोज एंड ऑल क्लिक कर सकते हैं।
ये रहा स्लॉथ बियर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसकी फेवरेट फूड एंड ऑल। वहाँ पे दूर है वो दिख नहीं रहा है, तो यूजुअली यहाँ पे रहता है बट आज थोड़ा दूर है। वहाँ गए चलो जाते हैं। इट सीम्स कि ना वहाँ पे भी है एक बेयर, तो ये शायद से ये वाला बेयर उससे मिलने गया था, और वहाँ जाके थोड़ा नजदीक से अगर देखने मिल जाए तो मजा आ जाए। बाकी मजेदार है ये, अच्छा झरना टाइप बनाया है भालू के लिए। सोचा यहाँ से देखने मिलेगा लेकिन यहाँ पे रश ही इतना है। तो ये है टाइगर की टेरिटरी, और रश देखो, बाहर निकलेगा ना तो एक भी नहीं दिखाई देंगे। तो भीड़ देख के मेरी हिम्मत तो नहीं हुई वहाँ पे जाने की, तो अपन अभी कुछ और एनिमल देख लेते हैं। इसको आराम से ना शाम को जब क्लोजिंग का टाइम होगा ना तब जाके एक बार राउंड मार के आते हैं, तब शायद अपने को दर्शन हो जाए टाइगर के। सो ये रहा टाइगर की टेरिटरी, लेकिन अपन वहाँ तो नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे फॉक बहुत अच्छे से यहाँ पे एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ पढ़ के अच्छे से थोड़ा सा ज्ञान दे देना। बाकी जैकल है क्या? ये जू में एक अच्छी चीज़ है कि हर एक एनिमल के यहाँ पे ना छोटे छोटे से पॉन्ड या तो फिर ऐसे झरने टाइप बनाया हुआ है, जो उनके लिए अच्छा रहता है, पानी वानी पीने के लिए इजी है मस्त, और उनको थोड़ा सा एक जंगल फील भी मिल जाता है। बाकी जैकल यहीं कहीं पे था वहाँ पे छोटे से केव के पास, अभी भाग के इधर गया एंड देन वापस यहाँ आना। शायद वेदर के वजह से ऐसा करते होंगे, या शायद शोर इतना है यहाँ पे इसके वजह से वो डर के थोड़ा सा भागते होंगे। तो यहाँ पे पीछे अपन ने जैकल देख लिया, जैकल छोटा था, मेरे ख्याल से पेरेंट्स नहीं होंगे, बच्चा जैकल था वो। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा एनिमल्स के बारे में पढ़ने मिलता है यार, लाइक दे अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं और एज अ टीम वो डिफीट करते हैं एंड ऑल, बहुत कुछ अच्छा अच्छा से पढ़ने मिलता है। अभी अपन है यहाँ पे हाइना और लेपर्ड मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। मुंबई जू का ना ये वाला पार्ट मुझे अच्छा लगता है, मस्त बनाया हुआ है ये। यहाँ पे मुझे हाइना दिख रहा है बट पता नहीं, समझ नहीं आ रहा हूँ क्या कर रहा है, डोर के साथ में डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। इतना क्यूट लग रहा है, ये केज तोड़ने की कोशिश कर रहा है या पता नहीं उसका क्या इंटेंशन है। एंड ये दूसरा उसका पार्टनर यहाँ पे सो रहा है, भारी प्लानिंग लग रही है इन दोनों की। तो हाइना ने तो अच्छे दर्शन दे दिए अपने को, अच्छे से एकदम देखने मिल गया। वैसे हाइना थोड़े से डेंजरस होते हैं बट पता नहीं, इतना कुछ उनके बारे में नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से जब तक आप एनिमल्स को कुछ करो नहीं ना तब तक वो आपको हार्म नहीं करते। बाकी तो पता नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस। यहाँ हम आए हैं लेपर्ड के पास, दोनों मस्त सो रहे हैं, कितने क्यूटली राइट और लेफ्ट बन के सोए हैं दोनों। ये लेपर्ड के यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कुछ दिखा है, पता नहीं क्या है, मे बी इनके खेलने मिलने के लिए कुछ है। ये दोनों सो रहे हैं, अपन कुछ और देख लेते हैं तब तक। ये चीज बेस्ट है, बच्चों को एनिमल्स देखने के साथ साथ यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है मस्त, गार्डन टाइप बच्चों के खेलने के लिए। तो एटलीस्ट एनिमल्स देख देख के बोर हो जाए या बहुत ज्यादा रश हो, एनिमल्स देखने ना मिले, तो यहाँ पे भी ये लोग फन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं आगे एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं। कुछ एनिमल्स तो हमने देख लिए, और आप लोग भी थोड़े एनिमल्स देखोगे तो उसके बाद में आप लोगों को भी भूख तो लगने ही वाली है। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे सामने है मेरे कैंटीन, वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ मिल ही जाता है, तो अपन भी कुछ लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने समोसा खाया था विच वॉज गुड, अभी देखते कुछ और ट्राई करेंगे या तो फिर वही समोसा खा लेते हैं। और आगे जो है वहाँ पे है हिप्पोपोटामस, चलो फिर। एक मार्गरीटा पिज्जा, ये आ गया अपना मार्गरीटा प्लेन चीज पिज्जा, खाते हैं चलो। देखने में यम लग रहा है 150 का। बाकी खाने के लिए बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पिज्जा है, समोसा है, बर्गर है, बहुत कुछ है, आके मस्त खाना आप लोग भी। वाव, कितना पिंकिश और कितना क्यूट लग रहा है ये, पानी में जा रहा है बस, अब तो ये पानी में चला गया, पता नहीं कब बाहर निकल के आएगा। चलो अच्छा अपने को दर्शन तो हो गए एटलीस्ट हिप्पो के। सो वहाँ पे अपन ने हिप्पो देख लिया, अब यहाँ पे डियर है, ये है सांबा डियर। वाव, बस लोग चिल्लाए कम तो वो लोग डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो अच्छे से देखने भी मिलेगा। बाकी यस, ऐसे बहुत सारे झाड़ हैं और उनके बारे में लिखा हुआ भी है, तो किसी को इंटरेस्ट है झाड़ों में
नेचर में ऑब्वियसली मुझे भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई नेचर फ्रीक है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा प्लांट्स एंड ऑल के, झाड़ एंड ऑल के डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे सांबर डियर के बाद में हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे पहले राइनो हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे हिपोपोटामस ही है। दोनों है, दोनों पानी के अंदर ही है। यहाँ पे सबसे क्यूटेस्ट पार्ट है यार ये कैट, कितना क्यूटली सोया है। बाकी इसे भी सोने ही दो, खेलने दो, मजे करने दो। अब अपन जा रहे हैं मेरा फेवरेट एनिमल देखने, दैट इज मंकी। मुझे बहुत क्यूट लगते हैं यार, मैंने कहा बोला था ना सबसे क्यूटेस्ट होते हैं ये, मस्त खाने में लगे हुए हैं। ये देखो क्यूटी पर एकदम सोया है, वाओ। ये देख कितने करीब है ये, हाय। कितना अच्छा बनाया हुआ है बैठने बैठने के लिए इनके लिए, और एकदम पूरा फीलिंग देने के लिए कि लोग जंगल में हो। देख लिया मंकी, और हंस हंस के ना, मतलब स्माइल कर करके मेरे गाल दर्द करने लग गए। मतलब आप लोगों से मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप आते हो ना जू में, तो चिल्लाने की जगह पे ना एनिमल्स को देख के ना थोड़ा सा ऐसा स्माइल करना, या ट्राई टू डू आई कॉन्टैक्ट, शायद वो भी आपको ऐसे देखेंगे और अच्छा लगेगा। चिल्लाने से अच्छा थोड़ा सा ऐसे करो, आपको भी खुशी मिलेगी और शायद उनको भी फील गुड हो, बिकॉज सारे एनिमल्स ना बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान लग रहे हैं बिकॉज इतना चिल्लाते हैं ना। बट चलो कोई नहीं, आते हो तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। वाह, एकदम गर्दन ना लचका के चल रहे, वाह। अब यहाँ पे अपन देखेंगे स्पॉटेड डियर्स, बहुत सारे हैं स्पॉटेड डियर्स, बहुत सारे। ये तो क्या मस्त लग रहा है, क्या मस्त लग रहा है ये वाला, वाह। भगवान ने भी क्या चीजें बनाई है, कितनी अलग अलग चीजें यार। लोग भी भिन्न भिन्न होते हैं और एनिमल्स भी अलग अलग हैं। तो ये है पेंगुइन की नगरी जो हमने लास्ट टाइम मिस किया था। अब जाते हैं और देखते हैं फोन्स अलाउड है या नहीं है। आई गेस अलाउड नहीं है, मैंने जितना सुना है, मतलब आप नहीं कर सकते हो क्लिक पिक्चर्स या वीडियो नहीं ले सकते हो, बट चलो चलते हैं, अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों को दिखा दूंगी। पेंगुइन देख लिया गाइस, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने पेंगुइन देखा। वैसे अलाउड नहीं था शूट करना, गार्ड्स बहुत सारे रहते हैं एकदम आपके पीछे ही, बट मैंने चुपके से आप लोगों के लिए क्लिप ले ली है। मौका मिले तो ज़रूर आना देखने के लिए, बहुत अच्छे से इन लोगों ने रखा है पेंगुइन को, और बहुत छोटे छोटे से क्यूट लग रहे थे, मज़ा आ गया। इसमें एक ऐसे ही गार्डन है जहाँ पे लोग ऐसे देख रहे हो पीछे मस्त फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और थोड़ी सी शांति भी है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। बाहर बहुत धूप है, ओ माय गॉड व्हाट आई सी, कितने बैट्स है बे, क्या बैट्स है वो देखो। थोड़े बर्ड्स को भी देख लेते हैं, तो मस्त बनाया है ये। बर्ड्स देखेंगे अपन, बर्ड्स हॉर्नबिल खेलने के लिए मस्त बनाया इन लोगों को, इतना अच्छा बनाया हुआ ये। हाँ, तो ये जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, इनको आप एज अ पेट नहीं रख सकते हो, इट्स पनिशेबल। मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा क्यूट क्यूट चीज़ें बनाई हुई है इनको खेलने के लिए, और थोड़ा सा ऐसा अच्छा जंगल वाला फील देने के लिए। ये मकाओ है, मस्त एकदम बैठे हैं। बेचारे इतने में ही उड़ पाते हैं। अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनको टर्टल और टोर्टाइस में डिफरेंस पता नहीं है, बट मुंबई जू में आके पता चली जाता है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपना फेवरेट एनिमल देखने के लिए, एनी गेसेस?
स्नेक। यहाँ पे बहुत रश है स्नेक के पास। मैं थोड़ा सा रुक के देखूंगी, बट देखूंगी मैं तो, मैं थोड़ी सी वेट कर लेती हूँ भाई। ऐसे फाइनली दर्शन हो ही गए। कितना लंबा है ये, ये भी कहाँ जा रहा है, घर में जा रही है। फाइनली देख ही लिया मैंने, आगे है एक्वा बर्ड में आ गए अपन। और यहाँ पे फुली एकदम ऊपर तक कवर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आपको एकदम बड़े बड़े देखने मिलेंगे। वाव, कितना ओल्ड और कितना बड़ा है ये, एक चोच मारेगा ना ये वहीं पे खल्लास। कितना स्टिल बैठा है वो, हिलेगा नहीं, चिल्लाएगा। 5 बजने वाले हैं और अब जू बंद भी हो जाएगा, तो ट्राई करते हैं टाइगर देखने का। और ये रश से लगता नहीं है, दिखेगा अपने को। गुस्से में घास खा रहा है। ओह माय गॉड, क्यूटी, ओह सो ह्यूज। अब बारिश आ रही है, अब वो नहीं आएगा। मुझे पता है, मुझे तो भी बंद होने का टाइम हो रहा है। सारे जितने भी से वो एनिमल्स को अंदर लेंगे, सभी एयरपोर्ट को भी लेके जाएंगे। टाइगर तो चला गया। बन गया हमारा दिन बहुत अच्छे से, टाइगर, लेपर्ड, मंकी और पेंगुइन्स देख के मजा ही आ गया। मतलब इन लोगों ने तो दिन बना दिया और 50 रुपये पूरी तरीके से वसूल हो गए मेरे तो। मैं तो आपसे कहूँगी कि प्लीज़ ज़रूर विज़िट करना मुंबई ज़ू, बिकॉज पहले जैसा मुंबई ज़ू था ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलने वाला भी है। मैंने सुना है क्रोकोडाइल और लायन भी आने वाले हैं, तब तो भाई यहाँ पे शायद से संडे को पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा रश हो जाएगा। टिकट प्राइस बहुत ही कम है, अपने बच्चों को लाओ, बुक्स में एनिमल्स पढ़ते हैं, लाइव देखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कि यहाँ पे खाने पीने के लिए तो है ही कैंटीन, तो आप वहाँ पे भी कुछ खा पी सकते हो। मतलब पूरा एक फुल डे पिकनिक आपका मस्त यहाँ पे ना बन जाएगा। तो गाइस इसी के साथ स्टार्ट होता है अपना 7 days 7 vlog challenge। मतलब मैं 7 दिन 7 vlogs कंटिन्यू डालूंगी और उस पर अगर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिखाया, तो ऑब्वियसली फिर अपन 10 days 10 vlogs करेंगे, 10 दिन 10 vlogs। उसके बाद में हम करेंगे 30 days 30 vlogs। मतलब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जितना हो सकेगा उतना ज़रूर शेयर करना अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में। बिकॉज़ मेरा जो ये डर है ना यार कैमरा वाला, वो मैंने निकाल दिया है अपने लाइफ से। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद मेरे से कनेक्ट कर पाए इस चीज़ के लिए, तो चलिए उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को ऐसी कोई चीज़ करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करते हैं, है ना। तो फिर सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तो लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अच्छा बाद में बताऊंगी, पहले तो बुरा ही बता देती हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मुझे ठेस पहुँचती है, लेकिन मैं अब उस चीज़ से उठ गई हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। अरे यार हर कोई इंसान जो भी मिलता है, मुझे नहीं लगता है ऐसे कितने लोगों के साथ में होता है जिनको
यस अभी दिखेगा आपको, जिनको ये विटिलिगो है, इसे विटिलिगो कहते हैं। तो स्किन डिसीज है जो कि फैलता नहीं है और ना ही ये जला हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, जहाँ पे भी जाओ लोग ये पूछते हैं कि जल गया है क्या, जल गया है क्या, जल गया है क्या, कोई और मतलब बीमारी का नाम देंगे, दैट इज़ फाइन। मतलब पहले मैं हमेशा जब भी किसी से सुनती थी ये चीज़, मतलब दिन में मैं 10 बार तो सुनी लेती थी, जब भी मैं सुनती थी तो बहुत रोया करती थी मैं, लेकिन अब जब भी सुनती हूँ तो उतना बुरा नहीं लगता। बट आई एम श्योर कि जो इंसान आज भी रोता है इस चीज़ को लेके, उसे बुरा लगता होगा कि कोई उसे ऐसे रास्ते में पब्लिक प्लेस पे इस चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो अगर आप में से कोई है जो ये चीज़ करता है, ऐसे पब्लिक प्लेस में किसी को ऐसे देख के पूछ लेता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। प्राइवेटली अगर कहीं है तो ठीक है, अगर पूछते हो तो दैट इज़ फाइन, विद अ कंसर्न अगर आप पूछ रहे हो तो ठीक है, बिना वजह मतलब मत पूछा करो, इट हर्ट्स अ लॉट। मतलब विटिलिगो एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, और वो हर्ट मुझे की थी, लेकिन मैं अब उठ चुकी हूँ। बस अब ज़्यादा नहीं बोलते, अब आते हैं अच्छी चीज़ पे। हमने वैसे मुंबई जू का बनाया ही है वीडियो, और बहुत सारे ऐसे मुंबई ब्लॉग्स बनाए हैं, तो कुछ लोग तो अब हमें जानने ही लग गए हैं, और अब और लोग जानेंगे बिकॉज हम अब डेली ब्लॉग्स करने वाले हैं, है ना। तो अब मुझे कुछ लोग मिले थे, यानी कि 2-3 लोग मिले थे जिन्होंने मुझे कहा कि दे नो दिस नेम द जिंगार्ड गर्ल, वो जानते हैं और वो ब्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मोमेंट मतलब सडन था, वो बुरी चीज़ के बाद में ही हुआ था, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ का। बट यस, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है लाइफ में और कुछ बुरी भी होती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। बस यही है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो थोड़ा इस चीज़ से बाहर निकले और अपनी लाइफ जी सके, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।